तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बल्कि फैसिलिटेशन है। फैसिलिटेशन इस तरीके से है कि अगर कोई यात्री से, मैं पहले स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि कौन सा यात्री। एक है जो अनरजिस्टर्ड है, एक है जो रजिस्टर्ड है बट विदाउट RFID टैग्स के साथ है, एक है जो रजिस्टर्ड है विदाउट RFID टैग्स है और बिल्कुल विदाउट कॉन्वॉय प्राइवेट अपना चल रहे हैं, उन्होंने बाद में यात्रा करनी है बट अभी के लिए टूरिस्ट है, और एक सिर्फ टूरिस्ट है। इनके लिए यहाँ पे 1:30 PM पे रोज़ इसी तरीके से, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ लगा है और उनको रोका जा रहा है, तो ये रोज़ लगेगा और उनको यात्री निवास चंद्रकोट में लॉज किया जाएगा फॉर दी वन एंड ओनली रीज़न दैट सम सिक्योरिटी एप्रीहेंशंस आर ऑलरेडी देयर एज वी नो, जो कि बहुत पहले से फ्लैश की जा रही थी। उसकी वजह से जो वैली साइड है उनको 3:30 PM के बाद नवयुगा टनल के पार नहीं जाने दिया जा सकता। तो सिंस 3:30 इज़ द कट ऑफ टाइम फॉर नवयुगा, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि यहाँ से ही कोई यात्री आगे ना जा पाए, क्योंकि वहाँ पे लॉजमेंट सेंटर्स इतने अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ यहीं पे है, तो यहाँ पे उनको मैक्सिमम लॉज किया जाए, इसलिए ये वाला कट ऑफ 1:30 PM पे लगाया जा रहा है और ये रोज़ लगाया जाएगा टिल दी कल्मिनेशन ऑफ अमरनाथ यात्रा 2022। हम उनके उनसे सिंपल एक सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। इफ़ दे से दैट हम हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर टूरिस्ट, तो उनको जाने नहीं दिया जाता। बट जो लोकल्स हैं, डोडा के हैं और उन्होंने काजीकुंड जाना है, वेरीनाग जाना है, लोकल्स हैं, तो उनको बिल्कुल अलाउ किया जाता है, HMV अलाउड है। जैसे NH खुला रहता है वैसे NH सभी के लिए खुला है, उनके लिए ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब तक हम उनका वहाँ पे बकायदा, हमारे पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है और उनसे अगर पूछ लिया जाता है कि आप स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं तो उनको जाने दिया जाता है। मोरोवर हर एक जोन में जो कट ऑफ है, लिटरल्स जो हम जिसे कहते हैं कि जो साइड की गलियाँ जिससे हम NH पे आते हैं, तो उनको 15 मिनट पहले कॉन्वॉय के पहुँचने से 15 मिनट पहले ही प्लग किया जाता है, ताकि वो कॉन्वॉय के साथ आमने सामने ना